1 लाख बंदे मर गए थे। लेकिन जब कभी भी जहाँ पर किस किस्म के अगर पैंडमिक्स आएंगे तो जाने नुकसान तो होगा ही होगा, मगर साथ साथ इकोनॉमिकल लॉसेस भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि पैंडमिक का इकानमी पे क्या इम्पैक्ट है और अगर कोई बैड इम्पैक्ट्स हैं तो वो क्या हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुशाहिद हैदर और आप देख रहे हैं क्लोज आई विद हसन रजा। तो हसन रजा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब कभी भी पैंडमिक आए हैं, अगर हिस्ट्री का आप थोड़ा सा गौर करें, हिस्ट्री पे गौर करें, लाइक ग्रेट प्लॉग आया 1665 का, तो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इवन विद इन लंडन के अंदर जो ना 1 लाख बंदे मर गए थे। लेकिन जब कभी भी जहाँ पर किस किस्म के अगर पैंडमिक्स आएंगे तो जाने नुकसान तो होगा ही होगा, मगर साथ साथ इकोनॉमिकल लॉसेस भी होंगे। अब इकोनॉमिकल लॉसेस होंगे, अगर बहुत वाइड स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा इलाकों में फैल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिसेशन आएगा। रिसेशन से क्या मुराद है? देखिए, रिसेशन क्या चीज़ है, हमारे पास जो बिजनेस साइकिल है उसमें कंट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। लाइक क्या है कि आपकी डिमांड कम हो गई। देखिए, जब पैंडमिक आएगा तो लोग, वैसे कोरोना था तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब डिमांड नहीं है। लाइक ऑयल था, ऑयल की तो डिमांड सप्लाई कर, लोगों ने कहा था कि नेगेटिव प्राइसिंग चलेगी। नेगेटिव प्राइसिंग नहीं थी, बेसिकली डिमांड नहीं थी, ठीक हो गया। वो डिमांड कर्व डाउन थी, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, डिमांड ज़्यादा ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, अब मनी सर्कुलेशन जो है इलाके में कम हो जाएगी, तो ऐसे पे इफेक्ट ये आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं? ये कोई हवाई चीज़ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। मेरी बात समझिएगा, इसको बहुत अक्सर यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी नहीं है, शायद हवाई बात होने लगती है। नो, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी कंट्री में होती हैं उसके बारे में होती है। फॉर एग्जांपल, या विद इन द कंट्री एंड ऑल ओवर द कंट्री। अब ये क्या है, ये करंट सिचुएशन इकोनॉमी की बताती है, ठीक हो गया, और उसके साथ साथ जो आपको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करती हैं, यानी आपको हेल्प आउट करेंगे क्या फ्यूचर एक्टिविटी, यानी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एस्टा करेंगे तो फ्यूचर में आपकी इकॉनमी इकॉनमी किस तरफ जा रही है, ग्रोथ रेट। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लाइक हमारे पास CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CBM है, और इस तरह हमारे पास मनी सप्लाई है, और इस तरह बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी द्वारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफी सारे इंडिकेटर्स के ग्रोथ रेट है, ये सारे कि हम कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेसिकली किस तरफ जा रही है, अगर पॉजिटिव व्यू में जा रही है कि नेगेटिव व्यू में जा रही है। जब भी पैनडेमिक आती है तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चेंज होते हैं। कोरोना वायरस से पहले वर्ल्ड बैंक और दुनिया हमारे बारे में कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही है, तो किस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर डिस्टर्ब हुए पैंडमिक की वजह से? अगर हम इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की ना प्री जो है ना पैंडमिक बात करते हैं, पोस्ट पैंडमिक पे बाद में चलते हैं। अगर प्री पैंडमिक देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पीडीए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बड़े फेमस हुए थे उस टाइम पे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का रेट भी इम्प्रूव हुआ था। देखिए, हुआ ये है कि उससे FDI बढ़ी है, FDI स्टैंड्स फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेहतर हो गई, लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर हालात अच्छे हैं और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए। अब जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री का ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ये कम हुआ, ये वर्ल्ड बैंक, हाँ ये वर्कुलर, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले तो GDP बता दें, GDP क्या है, ये कितनी तरह की है? देखिए, अगर आसान लफ्ज में समझाता हूँ आपको, GDP का एक तरह से ये मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक हो गया, कि किसी भी कंट्री की, किसी भी खास टेरिटोरियल यानी किसी कंट्री की स्पेसिफिक टाइम में फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताता है। इससे हमें पता क्या लगता है, इससे हमें पता लगता है कि ग्रोथ रेट क्या है। एक तरह से यूँ कहूँ कि आसान लफ्जों में कहूँ कि स्नैपशॉट ऑफ इकॉनमी है, यूँ कहूँ कि साइज ऑफ इकॉनमी के बारे में, भाई इकॉनमी का साइज कितना है, ठीक हो गया, आपका ग्रोथ रेट क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो GDP के अंदर आती हैं। GDP का फार्मूला था नहीं इम्पोर्ट मैंने? जी जी बिल्कुल, GDP का फार्मूला अगर हम गौर करें तो GDP का फार्मूला है G+I+C+X-M। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एनालिसिस पेश करना चाहूँगा कि इसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गौर करें, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन। अब आप पैंडमिक को अगर गौर करें तो ज़्यादा मतलब पैंडमिक के अंदर जो है कंजप्शन ऑटोमेटिकली राइज होंगी। पाकिस्तान की इकॉनमी में भी सेम ऐसे हुआ कि कंजप्शन जो है वो बढ़ी। अब इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेड बंद है, कोई मूवमेंट नहीं है,
तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया. फिर हमारे पास है देखिए कैपिटल जी, मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कितनी है. देखिए जब आप पैंडेमिक में हैं, बिजनेस हो नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की रिजर्व्स हैं, वो खर्चा हो रहे हैं और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली राइज हो रही है. अगर उसके बाद हम देखें जो आखिरी फैक्टर है फॉर्मूला में कि एक्स माइनस एम, बेसिकली स्पेंड ये डिपेंड करता है नेट एक्सपोर्ट्स पे. अब जरा मैं इसको दो अलग अलग जागे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ. अब देखिए नॉर्मली पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट है. अब पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग थी ना वो डाउन हो गई. उसकी वजह ये हुई कि पाकिस्तान जो पांच बड़े कंट्रीज में जो पाकिस्तान की ट्रेडिंग का 50% है, उन कंट्रीज में आते हैं चाइना है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, वो बैडली इफेक्टेड थे. इसकी वजह इसके ऊपर कोरोना के ऊपर. अब हम देखते हैं क्या हुआ. अब देखिए ट्रेडिंग तो रुक गई, यानी एक्सपोर्ट्स तो नहीं हो रही. अब इम्पोर्ट्स में क्या है, इम्पोर्ट्स में देखें नॉर्मली ऑयल आता है या और चीज़ें आती हैं. अब हुआ ये है कि जब पैंडमिक में आपने गौर किया होगा मार्च अप्रैल मई के दरमियान वो नेगेटिव ऑयल प्राइसिंग हो गई, यानी ऑयल बहुत सस्ता हो गया था. जो सस्ता हुआ है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हुआ, तो आपकी जो है आपने सस्ते में ऑयल ले लिया. मतलब कहने का ये है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी कम हुआ है, ठीक हो गया, और ट्रेड डेफिसिट भी आपका बेहतर हुआ, इम्पोर्ट बिल भी आपका बेहतर हुआ है. और अगर हम यूँ कहें कि अगर आम सामने समझाएं कि इस ट्रेडिंग साइड पे तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है. उसके अलावा अच्छा शॉर्ट में बता दें कि जीडीपी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. देखिए बहुत ही आसान सिस्टम है. देखिए सबसे पहले नंबर पे आप अगर गौर करें, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अभी केमिकल इंजीनियर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि बल्कि जब तक आप किसी कंट्री की इंडस्ट्री को नहीं खड़ा करेंगे, आप खुद भी इंजीनियर हैं आप इस बात को समझ सकते हैं, जब तक आप किसी कंट्री की इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करेंगे, उसको बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप मूव नहीं कर सकते. फॉर सेकेंडली आप लोन्स प्रोवाइड करें, ठीक हो गया. थर्डली आप वो जो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम कर दें. उसके अलावा देखें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें लोगों को, मतलब कुछ इदारे हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको आप जो है पैसे एक्स्ट्रा दें, ठीक हो गया. फिर एलोकेट करें रिसोर्सेज को किसके लिए, प्रमोशंस के लिए, मूव करने के लिए. और सबसे जो बड़ी चीज़ है SMEs यानी स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेज हैं, इसको आप इस पर एक स्पेशल फंडिंग करें, उसको इम्प्रूव कराएं. छोटे लेवल की इंडस्ट्री जब इम्प्रूव होते हैं तो बड़ी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है आपकी कंट्री की. इन सारी चीज़ों से करके आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. और जो सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो को इख्ताम करने से पहले दो तीन बातें कहना चाहूँगा कि जब तक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसकी बात की वर्थ नहीं है, उसके नेबर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, सो अगर आपने दोबारा कंट्री को ऊपर लेके जाना है तो यू हैव टू इम्प्रूव द इकॉनमी. जस्ट ये एक सिंपल सी बात है. देखिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी इकॉनमी के बगैर पॉसिबल नहीं है. कैसे आप बिल्ट्री का सारा बजट वो करेंगे, जब तक आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है. अच्छा इसके अलावा नए वीडियोज में हम आपके लिए इंटरेस्ट रेट पे भी लेके आ रहे हैं, जीडीपी एएनपी भी लेके आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें ज़रूर. थैंक यू. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कंटेंट अब हम बना रहे हैं वो कंटेंट आपको बहुत समझ आएगा और बहुत बहुत यूज़फुल होगा. सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़.